जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर चैनियो लाडलो लाडलियो, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों, जो बच्चों का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ यानी जिनका पेपर पास में SSGD 2022 में नाम नहीं आया, वो बच्चे काफ़ी निराश नज़र आ रहे हैं और वो YouTube पे काफ़ी अपनी एक्टिविटी भी दिखा रहे हैं कि सर और लिस्ट आएगी क्या, या कोई और लिस्ट आने वाली है, आ सकती है क्या, या वेटिंग लिस्ट में रख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, वेटिंग लिस्ट में फिजिकल के लिए नहीं रखते हैं, फाइनल मेरिट में जो बच्चे जाते हैं ना, उनमें से कुछ नंबर्स वेटिंग लिस्ट में रखे भी जाते हैं। फिजिकल में जो बाहर हो गया, इसका मतलब आप बाहर हैं, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, लाडलो SSGD 2023 भर्ती है, ये 100% आएगी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर ये भर्ती कब आएगी, या इसमें सीटें बढ़ा दी तो अगली भर्ती 2023 में नहीं होगी। ऐसा नहीं है, 2023 में भर्ती होगी SSC की। ये ध्यान रखना, जो सीटें बढ़ाई जाती है वो पुराने रिक्त पदों को भरने के लिए बढ़ाई जाती है। जो वैकेंसी की आगे की जो डिमांड होती है ना, वो कभी पूरी नहीं की जाती है, ठीक है। तो जो भी बच्चे पेपर में फेल हो गए, उनको आज से ही SSGD 2023 की तैयारी करनी चाहिए। अब ये भर्ती कब आएगी, कब इसके एनरोलमेंट होगा, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब एग्जाम होगा, ये भी आपके मन में कहीं ना कहीं, या कितने पोस्ट पर ये वैकेंसी रहेगी। देखिए, पोस्ट ऑफ वैकेंसी तो कोई नहीं बता सकता। आपको पता, 2022 वाली जो वैकेंसी थी उसमें मैं बोलता था लगभग 60,000 पोस्ट की ये वैकेंसी रहेगी, या 70,000 की। जब आई थी तो 25,271 पोस्ट की थी, आज वो वैकेंसी 50,000 की हो गई है। SSC का ऐसा ही है, और भी बढ़ सकते हैं इसमें पद, ये भी ध्यान रखना। SSC में ऐसा पद समय समय पर फिर बाद में बढ़ जाते हैं, तो ये भी वैकेंसी में पद बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमने SSGD 2023 के लिए अग्रिम बैच कमांडो एकेडमी एप्लीकेशन में शुरू कर दिया और हमारी ऑफलाइन एकेडमी में भी शुरू कर दिया। अगर आप ऑफलाइन एकेडमी में आके SSGD 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, तो स्पेशली इसके लिए अभी से बैच शुरू हो रहे हैं लाडलो, तो आप एकेडमी आ सकते हैं अभी से, ठीक है। एक साल का बैच भी है और दो साल का बैच है, उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले लीजिए। रिजल्ट आपको कमांडो एकेडमी का पता ही है, आपको लग गया होगा, नहीं तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये भर्ती कब आएगी, तो मैं आपको बता दूं, जून जुलाई का जो कैलेंडर आएगा लाडलो SSC का, उसमें इस भर्ती के आपको नोटिफिकेशन के बारे में पता चल जाएगा कि इसकी नोटिफिकेशन कौन से महीने में आएगी। दूसरी बात, अगर SSGD 2022 की बात करें तो इसकी नोटिफिकेशन कौन से महीने में आनी थी, दिसंबर में, लेकिन दो महीने पहले अक्टूबर में ही आ गई। तो जरूरी नहीं है, किसी भी समय नोटिफिकेशन आ सकती है, लेकिन फिर भी आपको अपडेट जून जुलाई के कैलेंडर में, SSC कैलेंडर में, आपको जो एग्जामिनेशन कैलेंडर आता है उसमें इसके बारे में अपडेट मिल जाएगी। तो आप जो बच्चे थोड़े बहुत नंबरों से रह गए, आपको घबराने की जरूरत नहीं, परेशान नहीं होना है, इसकी तैयारी में जुट जाइए लाडलो अभी से। पोस्ट ऑफ वैकेंसी 50,000 के आसपास ही रहने वाली है, कम नहीं होती वैकेंसी, बड़ी रहती है SSC की, ठीक है, और दिन ब दिन और बड़ी हो सकती है, ठीक है। फॉर्म जहां तक है, नवंबर दिसंबर में फिर से फॉर्म भरे जाएंगे और वही सेम टाइम पे एग्जाम आपके हो सकते हैं SSGD 2023 के, ठीक है लाडलो। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, रह गए पेपर में कोई बात नहीं, इसे स्वीकार करो, अगली वैकेंसी की अभी से तैयारी करो। हमारे एकेडमी में जो जो बच्चे पेपर में पास नहीं कर पाए, उनको अभी से अग्रिम बैच है उसमें शुरू कर दिया है। तो अग्रिम बैच कमांडो एकेडमी एप्लीकेशन पे भी चल रहा है और ऑफलाइन भी चल रहा है, तो आप दोनों किसी भी माध्यम से तैयारी कर सकते हो, लेकिन तैयारी आपको आज से ही करनी पड़ेगी SSGD 2023 की लाडलो। जय हिंद, जय भारत।